हम सब किसान साथी लगातार 9 महीने से दिल्ली के दरवाजे पर जो दस्तक दे रखी है, इसमें पहले हरियाणा और पंजाब का नाम से ही केंद्र सरकार कहती थी कि सिर्फ एक पंजाब के किसान नशेड़ी निखले पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगाते थे, और हमारे इस किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब के एसवाईएल के मुद्दे पर कभी किस तरह के मुद्दे लेकर के हरियाणा पंजाब के भर चढ़ बैठे हैं। हमें 9 महीने में इस बहुत कुछ सीखने को मिला पूरे देश में। हमारे इस किसान आंदोलन को पहुंचाने के अंदर मेरे बड़े भाई पंजाब के किसान साथियों के द्वारा आंदोलन शुरू जरूर किया गया था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन से जुड़ चुका है, और हमारे इस किसान आंदोलन के अंदर किसान सांसद की गई, उस किसान सांसद में जो हमारे 13 दिन चली, और जो देश की किसान सांसद थी वो किसान सांसद मात्र 21 घंटे लोकसभा के अंदर काम हुआ, और जो राज्यसभा के अंदर मात्र 23 घंटे चली, और जो हमारी किसान सांसद चली 13 दिन उसमें 65 घंटे लगातार काम हुआ, और एक मिनट के लिए भी 11 से लेकर के हमारी 5 मिनट का जो समय था ये हमारे किसान साथी पूरे भारतवर्ष से, और अब फिर हमारे आने वाले जो किसान सुख मोर्चा होना जाना नहीं थे, 2 दिन का अधिवेशन 26 और 27 तारीख का दिल्ली के अंदर चल रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि पूरे देश के कोने कोने से, चाहे केरला तमिलनाडु में, हर कोने से किसान इसमें हिस्सेदारी ले रहा है, भागीदारी ले रहा है, और हरियाणा प्रदेश का द्वारा 2 दिन पहले ही एक भूमि अधिग्रहण जो 2013 में बिल पास किया था उसका संशोधन किया, वो मात्र किसान और मजदूर साथी के ऊपर एक तरह से कुठाराघात किया गया है। सुख मोर्चा उसका भी डट करके विरोध करेगा। किसान साथियों, आने वाली 5 तारीख मुजफ्फरनगर में जो किसान सुख मोर्चा की तरफ से रैली रखी गई है उसमें पूरे भारतवर्ष का किसान शामिल होगा। कहीं भी मुजफ्फरनगर के अंदर पांव रखने के लिए जमीन खाली नहीं रहेगी, हर जगह किसान ही किसान दिखाई देगा, और मैं गुरु गुरुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लंबा नहीं लूंगा, आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में जो मीटिंग हो रही है इसमें पहुंचे हुए टिकैत साहब, सभी नेतागण और प्रेस वन भाई सभी को मैं पहले खतिब लतन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। टिकैत साहब आप पहुंचे हैं और सभी नेतागण को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो 5 तारीख के 5 सितंबर को रैली रखी है मुजफ्फरनगर में, हमारे पठानकोट और गुरदासपुर से भी बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी, और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो ये आंदोलन शुरू हुआ ये पंजाब से शुरू हुआ था, और आज ये आंदोलन पंजाब नहीं, भारत नहीं, पूरे संसार का ये आंदोलन बन चुका है, और हम बहुत खुश हैं कि जो काम हमने शुरू किया था उसको सारी दुनिया अब देख रही है, और ये आंदोलन जीतने की उस तारीख की उम्मीद कर रही है। जो हम आपको सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो 5 तारीख को रैली हो गया उस रैली में पठानकोट से भी चलकर वहां पर पहुंचेंगे। आगे लो जी कुलदीप, कुलदीप जी एक मिनट जेड़ा अरेंज कर रहे ने चंडीगढ़ दे जथेबंदियों दा, एक मिनट लिए। बहुत ही आदर मान सम्मान के योग किसान वसी अचौधरी राकेश टिकैत जी, जोगिंदर नैन जी, नरेंद्र जी और जितने दूर दराज से किसान मेरे साथी आए हैं, जो मुजफ्फरनगर की रैली होगी उसमें सबसे अंतिम दिन पहले 100 बस लेकर चंडीगढ़ इकाई की तरफ से जाएंगे, और टिकैत साहब अपनी तरफ रखेंगे। चलो बढ़िया जी, धन्यवाद जी। असीं बाकी सज्जणा तो माफ़ी मंगते हैं, हुण टिकैत साहब करनगे। आलमजीत सिंह मान बैठे ने जो अपनी जमीन दे विच सानू किसान भवन बना के दे रहे हैं, इन्हां दा भी असीं धन्नवाद करदे हां, इह बैठे ने साडे विच। हुण मैं बेनती करूँ टिकैत साहब जी ओह जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधित कर लैण। धन्यवाद सभी प्रेस का, और धन्यवाद सभी जो डेस्क पे जो लोग बैठे हुए, जो मंच पे बैठे हैं उनका,
वीरेंद्र सिंह जी है यहाँ पे, इन्होंने एक बड़ा योगदान, जो वॉशरूम बने हैं उन पे बड़ा योगदान, इनके इनके जो साथी हैं उनका वहाँ पे बहुत योगदान रहा, बहुत लोगों ने जिन्होंने काम करा वे दिखेंगे नहीं। सिरसा जी हैं, सिरसा जी वे हैं जब सिरसा के अंदर पुलिस से झगड़ा हुआ और उस टाइम पे अकेले ये शख्स है, उन्होंने कहा कि मैं अनशन करूँगा और उनके जो मुकदमे थे वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के अधिकारी को झुकना पड़ा। सिरसा जी यहाँ पे अपने जोगिंदर जी हैं, ये एक बड़े किसान लीडर हमारे हैं। यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान इस आंदोलन में है। और पहलवान साहब हैं आपके पंजाब से हैं, ये ऑल इंडिया जाट महासभा में जो है उसके यहाँ के पंजाब के अध्यक्ष हैं, ये भी अपना समर्थन देने यहाँ पे आए हैं। किसानी आंदोलन में बिरादरी एक अलग चीज होगी। और रतन मान जी हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, बड़ा योगदान सबका रहा है। और लखवाल जी आपके बीच में है, बड़ा योगदान यहाँ की सारे जत्थेबंदी, जो 40 जत्थेबंदी यहाँ की है उनका बड़ा योगदान। सारे हमारे पदाधिकारी कुलदीप जी और जो हमारे जिन्होंने जमीन दी किसान भवन के लिए, चंडीगढ़ जैसे जगह में अपनी जमीन दे के किसान भवन बनवाने वाला, आने वाले टाइम पे वही किसान भवन यहाँ पे बनेगा और एक बेहतरीन किसानों की सुविधाएं वहाँ पे रहेगी। उस हिसाब से यहाँ चंडीगढ़ में एक किसान भवन बन रहा, उन्हें अपनी जीरकपुर में, जीरकपुर चंडीगढ़ तो एक ही है भाई। धन्यवाद है आपका सबका, आपने जमीन दी। और अभी सभी प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद कि आप आए, हमको यहाँ पे बुलवाया। इशू हमारे ये हैं कि 9 महीने किसानी आंदोलन को दिल्ली में हुए और पिछले 22 जनवरी से भारत सरकार ने बातचीत बंद की। हमने बार बार ये कहा कि अगर ये पार्टी की सरकार होती, ये किसी भी पार्टी की सरकार देश में होती, वो जरूर बातचीत करती। ये सरकार है मोदी सरकार और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, ये बड़े घरानों की पार्टी की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है। और इसीलिए भारत सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत से सवाल आए, बहुत के प्रेस के लोग, बहुत ने ठीक दिखाया, बहुत प्रेस के लोगों ने निगेटिव दिखाया, लेकिन हमने कहा कि आप दिखाओ हमारे बारे में जो कहना है आप कहो, लेकिन समाज को बात जानी चाहिए। प्रेस के लोगों का भी हम धन्यवाद देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वो पूरे देश भर की कहीं के भी, अब अपनी भाषा में उन्होंने इस आंदोलन को दिखाया, अब अपने विचार से उसको दिखाया। लेकिन किसान की क्या गलती है, गन्ने पे भारत सरकार ने रेट बढ़ाया 5 पैसे पर केजी के हिसाब से, नहीं बताया गया पूरे हिंदुस्तान भर को कि 5 रुपए बढ़ाए, वो किलो पे बढ़ाए या क्विंटल पे बढ़ाए। बहुत लोग तो क्विंटल जानते भी नहीं, हम इसको किलो में रेट बताएंगे, 5 पैसे पर केजी गन्ने का रेट बढ़ा है। डीजल कितने पैसे बढ़ता था, महंगाई कितनी बढ़ी है कई साल में, यही हाल है। गोदाम देश में पहले बने और कानून देश में बाद में आए। क्या व्यापारियों को यह पता था कि गोदाम हम बना लेंगे और हम कानून अपने सिस्टम से लेकर आएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर तक सेंध लगी है। क्या अपने घोषणा पत्र में इस मोदी सरकार ने यह बताया था जब मैनिफेस्टो आया कि हम रेलवे को बेचने का काम करेंगे? वो घोषणा पत्र दिखाओ। क्या यह कहा था कि हम स्टेडियम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। क्या यह कहा था कि लाल किले को हम बेचने का काम करेंगे? वो दिखाओ। ये कहते हैं कि नहीं बेचे नहीं, हमने तो लीज पे दिया है। लीज पे तो कनॉट प्लेस भी गया है, कनॉट प्लेस गांव के लोगों की जमीन पर बना, उनकी दुकानें वहां पे हैं, आज भी वो गांव वालों की दुकानें हैं। क्या लीज पे गई हुई चीज कोई छूट सकती है? 8 महीने में कोई किराएदार मकान माजा वो नहीं छोड़ता। क्या जो बच्चों के स्टेडियम है उनको बेचने का प्रक्रिया चल रही? 3 कानून से अलग भी यह आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन यह नहीं कि अगर पंजाब के लोग आगे, अगर सरदार और सिख समाज के लोग आगे तो आप उनको खालिस्तान नहीं कहोगे, अगर मुस्लिम समाज के लोग आगे तो उनको पाकिस्तान नहीं कहोगे, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग आगे तो उसको आप जाटलैंड के लोग बताओगे? तो यह तो देश में चलने वाला है नहीं। जो तरह तरह की ये सरकारें तोड़ने का काम करती है, इसको देश को बेचने का काम कर रही है,
ये लड़ाई उस नौजवान की भी है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वे 14 करोड़ नौकरियों का सवाल है। ये उनका भी है कि जो रेलवे को बेचा जा रहा है आधी नफरी उससे खत्म करी जाएगी। रेलवे के रूट इसलिए बंद हैं कि रेलवे के रूट बिकने के लिए तय हो रहे हैं और जोन जोन से भी रूट और रेल बिकती रहेगी, कंपनी को जाती रहेगी, उस रूट को खोलते रहेंगे। स्पेशल ट्रेन के नाम पे 55 गुना रेट, ये तो गरीब की रेल थी। भारत पेट्रोलियम वो बेच दिया, विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो 6 गांव के लोगों ने 22,000 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी, फ्री ऑफ कॉस्ट 22,000 एकड़ जमीन, उस प्लांट की कीमत आज 4.5 लाख करोड़ रुपया है और उसको 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अडानी का जाएगा क्या पूरा देश को अडानी के गिरवी रख दिया गया? ये लड़ाई वैचारिक क्रांति है, 3 कानून तो सरकारों को वापसी लेने पड़ेंगे, MSP पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। खाली अकेले पंजाब और हरियाणा में कहते हैं जी आपको तो बिकता है MSP पे, नहीं बिकता इनका भी। जो मंसूरी धान बिहार से, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश और उनसे धान की खरीद होती है सस्ते में, 800 से 1000 रुपए क्विंटल धान की खरीद होकर पंजाब हरियाणा में बिकता है, वो किसके नाम पर चढ़ता है? यहाँ के भी किसानों का धान गेहूं सस्ते में खरीदा जाता है, कंपनियां खरीदती है और किसानों को बहुत भयंकर नुकसान है। इसलिए तो हमने कहा कि MSP गारंटी कानून आप लिख कर दो। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, हम भी प्रचार करेंगे, हम भी प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे, आमदनी 2022 में दुगनी होगी, हम अपनी फसलों को दुगने रेट पे 1 जनवरी से बेचेंगे, उसका इंतजाम सरकारें कर लेना, हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का, दुगनी आमदनी हो जाएगी। 3 महीने की बात रह रही, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने, या तो इनके लोग ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तो ये हालात हैं आज देश की, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैसे प्रेस के लोग अपने आप को, संस्थाओं को बचा के खबरें छापते हैं, मतलब बंदूकों के साये में जीने को मजबूर हो गया। ये खालिस्तान नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ये सरकारी तालिबानियों की सरकार है, सरकारी तालिबान है ये, जिस तरह से ये बंदूक की ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरे संसाधनों पे, देश की सब एजेंसियों पे कब्जे हो गए। तो अब यूथ को जागने की जरूरत है, किसान को जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है जो वनवासी लोग हैं, जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं। अभी दूध का एक एग्रीमेंट होने वाला, अमूल जैसी कंपनी ने यह कहा कि अगर 10 रुपया लीटर हमको भारत सरकार सब्सिडी देगी तो हम इस कंपनी को बचा सकते हैं। अमूल जैसी कंपनी 10 रुपये सब्सिडी मांग रही है तो आम किसान का क्या होगा? ये बाहर से दूध का एग्रीमेंट करके यहाँ के पशुओं धन को खत्म करना चाहते हैं। ये सुगर लोबी के दबाव में बाहर से चीनी खरीद करके गन्ना किसान को खत्म करेंगे। ये अफ्रीका के देशों में दालें उत्पादन करके दालें किसान को खत्म करना चाहते हैं। हर फसल के किसान को एक एक करके मारने का काम करा जाएगा। ये किसान संयुक्त मोर्चा जो पिछले 9 महीने से इसके 40 बड़े लीडर अपनी जत्थेबंदियों के साथ में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और ये भारत सरकार कान खोल कर सुन ले, जो किसान 9 महीने से अपने घर नहीं गया, जिसने 9 महीने से दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ा, वो आने वाले टाइम पे दिल्ली के मोर्चे को नहीं छोड़ेगा। ये कान खोल कर सुन ले, प्रेस में ये कान खोल कर सरकार सुन ले, अपने दिमाग को ठीक कर ले, ये किसान छोड़ेगा नहीं। आपने गलत जगह पंगा ले लिया है, आप खेती किसानी को बर्बाद करना चाहते हो, अपनी खेती को आप बड़ी कंपनियों को देना चाहते हो, वो नहीं जाएगा। जिस तरह से हरियाणा में
कानून में बदलाव करा कि कोई भी एक व्यापारी इनका साथी आएगा किसी जमीन को जो हाईवे पर जमीन है उसको कहेगा कि मैं सर्किल रेट पे इसको खरीदूंगा, वो एक प्रपोजल प्रोफाइल बना कर देगा कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, ये जमीन मुझे अधिग्रहण करके दे दो। तो अपने साथियों के लिए कानून खोला है इन्होंने। तो इन सब चीजों का विरोध हमको करना है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। इसने अगर 1000 मीटर एग्रीकल्चर लैंड हाईवे पे खरीद ली, ये उदाहरण है देश भर में, 1000 मीटर जगह खरीद ली, अधिकारियों से सेटिंग करी और अपने चार चार पांच पांच किले दूसरी जगह खरीदे जहां पे चकबंदी है और अपना हाईवे के ऊपर जमीन लगवा ली, तो ये जमीन लूट का जो षड्यंत्र रचा गया है इससे बचना होगा और बचा जाएगा आंदोलन से, शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन हमारे चलेंगे, हम पूरे देश भर में जाएंगे, इनकी जो कार्यगुजारी है उसको बताएंगे। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे, हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को, यहाँ पे सब लोग हैं, उनको यहाँ पे बताना है, चंडीगढ़ के अंदर से भी यहाँ पे बसों की व्यवस्था, जो लोग शहरों में रहते हैं, निर्बल जी हैं हमारे, इन्होंने कहा कि बसें लेकर हम भी जाएंगे, तो सब लोग आपस में कॉन्टेक्ट कर लें कि कहाँ कहाँ से बसें जाएंगी, कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना कर रखें। बहुत बसें जाएंगी आपस में पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है, बाहर के लोग, अमेरिका से वीडियो आई, वहां के किसानों की आई, क्योंकि किसान संगठन हमारा 73 देशों में काम करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को सलाम है, अपने आंदोलन को जारी रखें, हम कंपनियों के चुंगल में फंस के हम बर्बाद हो चुके हैं और आज यहाँ पे कोई किसान ऐसा अमेरिका में नहीं है जो कंपनियों से मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान के किसानों को, पूरे दुनिया के किसानों को बचाना होगा, ये अमेरिका कह रहा है। फ्रांस, इटली, सब जगह से लोग मैसेज करते हैं, लोग इस आंदोलन के साथ में हैं, जो हमारे परिवार के लोग वहां पर रहते हैं वो इस आंदोलन के सब साथ में हैं। तो आप सभी प्रेस के लोग उसे कि अपनी जो जीविका है, अपनी जो पत्रकारिता है, आप पे आंच ना आए, अपनी उसको बचाते हुए आप इस आंदोलन में अपना साथ दे, देश को बचाने में आपका भी एक बड़ा योगदान है, आप उसमें इस देश को बचाने का योगदान करें। यह आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और किसान संयुक्त मोर्चा और समस्त संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के नेता इस देश का किसान, मजदूर, महिलाएं, भूमिहीन किसान सब इस आंदोलन के लीडर हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आती है तो परिवर्तन करती है। यह आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गोदामों के ताले नहीं खुलेंगे, ये अनाज गोदामों में बंद नहीं होने देंगे, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, होटल के बाहर लेटा हुआ भूखा आदमी अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो ये नहीं कह सकती सरकार के इसको भूख नहीं लग रही, भूख उसको है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की वस्तु बने, यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकारें इन सब मुद्दों पे बातचीत करके समाधान नहीं करेगी। जी हाँ जी, राजनीति की भी बात साथ साथ होती है, किसान मोर्चे की तरफ से हालांकि पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को जगह नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं जी, लेकिन आपके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ भी दे रही है, चाहे वो बैकडोर से दे रही है। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि अब समय है कि पॉलिटिक्स में भी आप किसानों को लेकर आने का, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव यूपी में भी है, पंजाब में भी है और सबसे बड़ी अगर इस टाइम आवाज है तो किसानों की आवाज है, उस आवाज को राजनीति में लाने का समय है मानते हैं? नहीं, देश का किसान और देश बचेगा तो वो आंदोलन से बचेगा, पॉलिटिक्स से नहीं बचेगा। चंडीगढ़ जून तो उन्होंने अपना एक करा रहे हैं, जी रैली जा रहे थे, कोई एक
ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਫੁੱਟ ਬਣ ਗਏ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਂਕ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है संयुक्त मोर्चे का नहीं है। अरे जिसको लड़ रहा भाई वो तो व्यक्तिगत वो है, उसको कौन किसी को रोक सकता है, घर में ही रुकता है आदमी। वो ऐलान करोगे पंजाब के इलेक्शन लड़ो नहीं, कोई नहीं इलेक्शन लड़ रहा, ना संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला है कि इलेक्शन लड़े, वो नहीं है। अभी तो किसानी आंदोलन है, अभी क्या कोई चुनाव है, चुनाव को जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा होगी क्या, अभी जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन बता देंगे। अरे आंदोलन मजबूत रखो, जिसकी भी सरकार बनेगी उसके बाहर ही लाठी काटो पड़ी। हाँ जी, तो देश बचाने के लिए आपने कौन-कौन से मुद्दे आइडेंटिफाई किए जिनको एड्रेस करना चाहिए? देखो ये जो संस्थाएं बिखरी है और जो ये सरकार कहती है कि हम इनको लीज पर दे रहे हैं, क्या देश आजादी के बाद में कोई और सरकारें आई नहीं कि इस पूरे देश को लीज पर दे देती? क्या पार्लियामेंट भी लीज पर जाएगा क्या भाई? पार्लियामेंट भी अगर लीज पर जाना हो तो भाई उसको भी दे दो, पहले पार्लियामेंट को लीज पर देने की शुरुआत करो। ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। अरे चलो बढ़ाया किसी ने, अगर रेट बढ़ाया कंपटीशन तो होया, उत्तर प्रदेश में हरियाणा में तो बढ़ाई नहीं भाई, जिसने ये भी उससे बड़ा चेहरा बने ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरा देश उससे बड़ा चेहरा बने, पंजाब ने बढ़ाया तो इससे ज्यादा बढ़ावे में, हमने उत्तर प्रदेश को कहा हम के वहां पे वहां पे उत्तर प्रदेश में भी रेट बढ़े। उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, 175 रुपये हाउस पावर, पंजाब में फिर ये हरियाणा में 35 रुपया है, उत्तर प्रदेश में 175 है। तो ये तो कंपटीशन है मुख्यमंत्री का, अब टाइम आ गया है कि इनको कंपटीशन में काम करने चाहिए, किसान का चेहरा बने, जिसको जनता वोट देगी दे लगी। सरकारी तालिबान क्यों? हमको एक खालिस्तान नहीं है हम, अगर हम खालिस्तान नहीं है तो ये सरकारी तालिबान नहीं है भाई, बंदूक के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। नहीं नहीं हमारा तो सत्ता का है, जो सत्ता में रहेगा और वो ठीक काम नहीं करेगा, अपने किसान के चेहरे बनाओ, जो मुख्यमंत्री बन गया जिसकी सरकार बनेगी, आप किसानों के लिए गांव के लिए काम करो, जो वोट देगी जनता दे लेगी जहां देगी। अरे कर लेंगे भाई, जिसको जहां देनी होगी दे लगा वोट, वो हम क्या ये वोट का इलेक्शन का काम है क्या? पंजाब से ही आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो अब पंजाब का चुनाव आ रहा है, काफी बड़ा चुनाव है, क्या किसी पार्टी को वोट? नहीं नहीं हमारा वोट से कोई मतलब नहीं है इसका वोट देखो किसान अपने आप जो खुश होगा जिससे उसको दे लगा भाई, एक ही घर में एक ही चूल्हे पर रहते हैं, अपनी माँ के साथ में बच्चे लड़ते हैं, मुझे ये खाना, मुझे पराठा आलू का खाना, मुझे दही के साथ में खाना, तो सबकी अब अपनी च्वाइस है भाई। अरे वे एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहां पे, धान एक मुट्ठी धान में के साथ में वोट मांग रहे थे, हमने तो वे पकड़े, चोरी कर रहे थे, अगर चोरी करता हो कोई पकड़ लिया और उसको चोर कह दिया, कोई गलत कह दिया क्या? अरे यूपी में भाई इनका इलाज करेंगे, इसका इलाज है, सरकार का इलाज है, गांव में इनको इलाज करेंगे, इनका कोर्स होगा 3 साल का, इनके है दिमाग की बुखार, 3 साल में ये ठीक हो जाएंगे, और हमारा इलाज है पार्लियामेंट में और विधानसभा में, हमारा इलाज वहां पर होता है, किसान का इलाज हम अपना इलाज वहां पर करवाएंगे, हमें जाने नहीं देते, ये गांव में जा रहे, हमने इनके खुली छूट कर दी, आप गांव में आओ। प्रधानमंत्री का जो प्रचार उनका था, आप भी करो हम भी करें, क्या दिक्कत है भाई? सबके सामने प्रधानमंत्री ने कहा
कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम भी कह रहे, ये भी कहे, प्रचार कर रहे ना ये भी, हम तो नहीं कहे उसका कर रहे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री हमारा है, हम भी कह रहे कि प्रधानमंत्री तुम्हारा है, करो प्रचार, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। जो भी पहली जनवरी से फसल बिकेगी वो दुगने रेट पे बिकेगी, क्या दिक्कत उसमें, बेची जाएगी। हम तो यही तो कहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री ने, या तो ये बताओ कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। हर चैनल पे विज्ञापन लिए आपने, सबने सबने चलाए, तो अब आपसे ये है कि बड़ी खबरें छापो। हम भी कह रहे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। क्या अरे कर लेंगे, जब चुनाव आओगा कर लेंगे, अभी तो सांस ले लो ना, अभी कहाँ चुनाव है, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बताएंगे। मिशन यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मिशन देश शुरू होगा। हाँ मिशन देश, हाँ मिशन देश होगा। हाँ मानना कर दिया होगा भाई मुद्दा, उनने मार दिया, बताओ हम क्या करें, अगर मुद्दा नहीं मान रहे तो हम क्या करें। देखो उसे जाना है, उसे बढ़ना है, खट्टर को बढ़ना है, कैबिनेट में जाना उसको, वो यहाँ से छोड़ना चाह रहा, यहाँ का एक होम मिनिस्टर है उसे मुख्यमंत्री बनना है, इनकी तो घर की राड है भाई, इसमें हमें क्यों बाड़ो तुम इसमें। जो आप चुनेंगे लोग, हाँ उसकी क्या गारंटी है वो आपकी बात मानेंगे, साहब भी ये कहते हैं। अरे बात तो आंदोलन में दम रहना चाहिए, बात तो मानना नहीं। अरे क्यों नहीं चलेगा आंदोलन, आंदोलन पे कोई स्टे है क्या, स्टे हो तो बताओ भाई आंदोलन पे। जो सरकारें काम नहीं करेगी उसके खिलाफ आंदोलन चलेंगे, जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। कहां कर रहे हैं और करंदा ठीक कर रहे हैं अरे अब भी तो कर रहे हैं ना अपना भाई, वो भैंस का दूध एक ही दिन निकाल लोगे सारा, सैसे पूरा 8 महीने देगी वो दूध करंट ने। हाँ दिमाग इतने ठीक करेंगे ना उनके। नहीं नहीं सभी का फैसला है, किस किस का क्या क्या फैसला है बता देंगे, अभी तो 5 तारीख को करेंगे घोषणा। और पंजाब की क्या जत्थेबंदी इतनी कमजोर है, ये तो सारू से विरोध करके झेल लगी भाई, इनके लड्डू भी खाओगे इनका विरोध भी करेंगे, जब भी तो काम करेंगे। कैप्टन साहब का मुंह मीठा करा दिया। अरे अच्छा उसने गन्ने का भाव बढ़ा दिया, करवा दिया मारे क्या, उसने कोई वो सोने की चेन लेगा क्या कैप्टन तोड़ के बताओ। अरे धन्यवाद तो देना पड़ेगा, देखो हम किसी का नहीं, मुख्यमंत्री था बीजेपी का उत्तराखंड का निशंग, उसने कहा जी गन्ने का आंदोलन आप उत्तर प्रदेश में करो, टिकेट साहब थे, जब आप जो वहां पर रेट बढ़वाओगे मैं उससे 10 रुपए बढ़ाऊंगा। मायावती की सरकार थी वहां पर आंदोलन करा, हमने 40 रुपए बढ़वा दिया, उसने भी 40 रुपए बढ़ा दिया, उसने कहा जी मुझे टिकेट साहब से मिलवा दो और मैं 10 रुपए और बढ़ा दूंगा उनके कहने से। हमने टिकेट साहब को कहा जी मिल जाओ, एक मुख्यमंत्री मिलने से अगर किसानों का भला हो जाए तो मिल लो, तो मुख्यमंत्री से मिले। वो तो बीजेपी का था, हम किसी के प्रचारक नहीं है, जो काम करेगा हम उसको कहेंगे। उसने 10 रुपए बढ़ाए टिकेट साहब के कहने से, और टिकेट साहब हमेशा कहते हैं भाई निशंक ठीक है मुख्यमंत्री। उसने कहा जब टिकेट साहब एक बार अपने मुंह से कह दे कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट इसने बढ़ाया, तो ये भी बढ़ाओ भाई, ये किसान का चेहरा लेकर आओ ना, जो बढ़ाएगा उसका हम नाम लेंगे और जो नहीं बढ़ाएगा उसकी खिलाफत करेंगे। अगर अभी मोदी कानून रद्द करता है उसका भी नाम लेंगे। अरे मोदी तो कानून रद्द तो करवा कर ये MSP पे कानून बनवा दे, फिर का बता देंगे, फिर करवा दे तू, तेरा धन्यवाद भाई। हाँ करवा दे भाई, 22 में हो जाएगी, 23 में हो जाएगी, 24 में हो जाएगी। ना हम तो इलेक्शन की तरफ को पैर करके भी नहीं सोवे जी, इलेक्शन की तरफ को हम पैर करके नहीं सोवे। हमें जनता ने कहा कि आंदोलन करो, यहाँ पे
बीजेपी के लोग भी आते हैं, इसमें बीजेपी के नेता भी आते हैं। उड़ने सर्दी में रिजाई भी भिजवाई, पर नाम तो उनका बताएंगे नहीं हम। उड़ने आलू भी भिजवाया, दाल भी भिजवाई, कह लीजिए हमारा नाम मत बता देना, मगर नाम नहीं बताएंगे भाई। तो ये तो आंदोलन सबके सहयोग से चल रहा। ये करेंगे 5 तारीख में, करेंगे कुछ घोषणा, करेंगे कुछ ना कुछ। इनके गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, ये लास्ट हथियार वो है, इनके गोदाम तोड़कर छप्पर बनाएंगे गोदामों के, टूटेंगे गोदाम टूटेंगे, चिंता ना करें। जो यूथ लग रहा है ना कि डाटा फ्री मिल गया 700 रुपए में 3 महीने का, और डेली का डाटा डेली खर्च करना, तो युवा तो वही डाटा पर लग गया, इसे छोड़ के उसको आंदोलन में शरीक होना चाहिए। देश बचाना है, उनके स्टेडियम बिक गए, जो गोल्ड मेडल जाते थे बच्चे, वे गांव के स्टेडियम में खेल कर जाते थे, आज वे बेच दिए गए पूरे। रेलवे की जगह बेच दी, स्टेडियम बेच दिए, FCI के गोदाम बेच दिए, सब अडानी को दे दिए। लो जी, एक गल हो रही है कि एक केंद्र